टेलीविजन। भारत की राजधानी दिल्ली में हमारे विद्वान श्री राघव एस भट्ट जी के विशेष आग्रह पर आयोजित की गई। इस आग्रह पर हम सभा के सभापति का दायित्व सभा के संचालन करने के लिए हम राघव जी को सौंपते हैं। तो आपका आग्रहपूर्ण आतिथ्य हमें सुखद स्मृतियों में ले जाता है और हम सभी विद्वानों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबका अभिनंदन करते हैं। और इस बैठक के संचालन के लिए हमने जो कोर कमेटी की मीटिंग की गई है उसमें हमारे 10 लोग हैं। 10 लोगों में से जो उपस्थित हैं वह सभी हमारे माननीय श्री पाटन वाले गुरुजी यहाँ के अध्यक्ष हैं, गौतम गुरुजी जो कि हमारे महामंत्री जी हैं, और हमारे विनोद शास्त्री जी यहाँ के कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं सीएल चौरे यहाँ का कार्यकारी सचिव हूँ, और हमारे राघव जी भट्ट जी यहाँ के सभापति का पद ग्रहण किए हुए हैं, हमारे देवेंद्र सिंह सिंगई कोषाध्यक्ष हैं कार्यकारिणी के, और अशोक जी शर्मा जी यहाँ पर दिल्ली के स्थानीय मेंबर हैं। मैडम शर्मा जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने अल्प समय में हमें अपने घर में आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर दिया है। अरे पर उनका नाम तो बोलो, मीनाक्षी शर्मा जी, उनके भाई साहब भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे इस सभा में सुनीता पाठक जी हैं और हमारी मैडम गुरियानी राधा शर्मा जी भी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस मीटिंग में सबसे पहले है, क्योंकि हमारे इस कमेटी का एक साल हो चुका है तो ऑडिट बैलेंस शीट की तैयारी हमारे कोषाध्यक्ष जी करेंगे, कार्यकारिणी के मिट्स का भी वाचन किया जाएगा, कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची हमने बताई दी है कि यानी होता है, तो जिनका अगर ऑडिट मार्च में ख़त्म होता है तो वह जून तक अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिनका अगर जून में ख़त्म होता है वो सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देते हैं। क्योंकि हम जून में ख़त्म करते हैं इसलिए सितंबर तक हमारे सिंगे साहब इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। वर्तमान सदस्यता अभी जो नियुक्ति की गई है हमारे पाटन वाले गुरु जी ने वह 471 है, जिनमें उनको हमने यानी कई लोगों को पद दिए हैं, पर एक्चुअली हमारे पास जो लिस्ट है वह 1250 के करीबन है, और कुछ अभी हमारे अध्यक्षों ने सूची नहीं दी है, वह अगर हमें प्राप्त हो जाती तो कम से कम 2500 के सदस्य हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब वर्तमान सदस्यता के संबंध में हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो नियुक्ति के आधार पर, दूसरा पात्रता के आधार पर। नियुक्ति तो हमारे गुरु जी ने कर ही दी है, पर पात्रता उस आधार पर होगी कि वह व्यक्ति अपने सदस्यता शुल्क जमा कर देगा उस तारीख को, यानी वह संवैधानिक रूप से उसका सदस्य माना जाएगा। खाता खुलवाने के लिए हमारे हर अध्यक्ष को निवेदन किया जा चुका है, उनके पास से हमारे पास यह सुझाव आया है कि उनके खाता खोलने के लिए उनके पास पंजीयन की पूरी कॉपी नहीं है, जिसके कारण वह बैंक अधिकारी खाता खोलने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। तो गुरुजी से निवेदन है कि पूरी की पूरी एक कॉपी का सेट हर यानी जो भी अध्यक्ष है उनके दे दिया जाए, ताकि उन्हें खाता खोलने में किसी तरह की आपत्ति ना हो। इस जमा के लिए और कितना आय व्यय हुआ है, इसमें सबसे बड़ी हमने ये विशेषता रखी है कि हमारे जो भी यानी अध्यक्ष लोग हैं वह अपने जो भी फीस आएगी उसका 75% अपने संस्था के संचालन के लिए खर्च करेगा, और बाकी का 25% उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ हेड ऑफिस में आके जमा होगा। सदस्यता के पंजीयन क्रमांक के लिए अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे गुरुजी ने पंडित रामाशंकर तिवारी जी को नियुक्त किया है और उनको आदेश दिया है कि वह अपना सदस्यता एजेंडा रजिस्टर में रखते हुए पंजीयन क्रमांक और रसीद क्रमांक के साथ व्यक्ति को सूचित करें कि आपको आपकी सदस्यता क्रमांक यह है और इस तारीख को आपने ये फीस जमा की है, ताकि किसी व्यक्ति को ये कहने को ना हो कि भैया मेरी सदस्यता
नंबर डबल तो नहीं हो गई, हमारे गुरुजी ने हमें अभी 3-4 सुझाव दिए हैं, वह निम्न प्रकार से हैं। जाएगा इसके संबंध में हमारे गुरुजी ने यह कहा है कि हमारे कोर कमेटी के सदस्य अपने उन व्यक्तियों के नाम को सुझाव के साथ और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो सब बताते हुए सुझाव दें ताकि हम उन लोगों का सम्मान कर सकें। कोर कमेटी ने ये भी निर्णय लिया है कि हर व्यक्ति अपने 1100 रुपये फीस जमा करेगा, वही व्यक्ति पात्रता अनुसार सदस्य माना जाएगा। सभी सदस्यों में हमने स्टेट के महामंत्री, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी शामिल किया गया है ताकि वह अपनी इस समिति में अपने जो ग्रीवांसेस हैं या सुझाव है या समस्याएं हैं वह कोर कमेटी के सामने प्रस्तुत रखें ताकि उन प्रॉब्लमों का हम समस्या का निदान कर सकें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब अध्यक्ष महोदय अपने विषय वस्तु पर आकर संस्था को सही ढंग से हमारे निरोज शास्त्री जी, इंद्र साहब शर्मा जी और मीनाक्षी जी, चंद्रा जी, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने मेरी जो इच्छा थी कि यहाँ दिल्ली में इसका कोर कमेटी की मीटिंग रखा जाए तो आपने स्वीकार की। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मेरे रिलेटिव भी हैं और मेरे से कंधा मिलाकर मेरे ऑफिस को भी संचालित करती है। इनका भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को माना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे का जो कार्यभार है मैं गौतम गुरु जी से निवेदन करूँगा कि वो आगे का संचालन का कार्य संभालें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी शर्मा दिल्ली से आज अखिल भारतीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। यहां सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारी जो एसोसिएशन है अभी उसका जो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज़ किया है जो मेन मुद्दा है और जितना मुझे समझ आया है हम लोगों का जो एजेंडा है वो ऐसा है कि हम ज्योतिष को और वास्तु को साइंटिफिकली देश और विदेश में उसको बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जितना मुझे समझ आया जो पंडित हैं या जो और तरह का ज्योतिष कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों में भ्रांतियाँ हैं। हमारी ये जो एसोसिएशन है इसमें सभी इंडिया के और देश और विदेश के जो सभी दिग्गज हैं अपने अपने क्षेत्रों के, अपने पंडित विनोद शास्त्री जी, पाटन वाले गुरु जी, गौतम जी भाई साहब, सभी हैं जो एक से बढ़कर एक इंडिया के दिग्गज हैं ज्योतिष में और अपने अपने क्षेत्र के, हम सभी को साथ लेकर हम सभी साथ में चलकर अपनी एसोसिएशन को देश और विदेश में उसका विस्तार करना चाहते हैं। और हमारा एजेंडा हमेशा यही रहेगा कि ज्योतिष और वास्तु को साइंटिफिकली और पूरा भ्रांतियों से दूर हटाकर उसको फैलाएं। और जो भी लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़ते हैं, जैसे हम भी हैं, बाकी सब लोग भी जो भी हमारी एसोसिएशन से जुड़ेंगे उन सबको भी हमारी एक यही सलाह और रिक्वेस्ट रहेगी कि साइंस
को साथ लेकर भ्रांतियों से हटकर इस ज्योतिष को और वास्तु को सब जगह फैलाया जाए और लोगों के मन में जो इसके प्रति भ्रांतियाँ हैं जो भी हैं उनको दूर किया जाए। हमारी संस्था इन सभी चीज़ों को साथ लेकर चलेगी और हम सभी का सहयोग रहेगा। बाकी हमारे जो गुरु जी हैं उन सभी उनको हमारा सहयोग रहेगा और वो उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन होगी वो हम पूरी करेंगे। अपनी पूरी एसोसिएशन को बहुत आगे तक ले जाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं ज्योतिष पूरा साइंस पे डिपेंड है, इसमें कोई भी छुपा वाली बात नहीं होती। पूरा स्टार्स को सबको स्टडी करके ही ज्योतिष का वो लिया जाता है और वास्तु भी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का ही एक प्रारूप है। तो हम अपने ज्योतिष और वास्तु के लिए पूरा साइंस के हिसाब से काम करके इंडिया, दिल्ली और जहाँ भी देश और विदेश में उसको पूरा विस्तार करेंगे और सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिष जो है पूरा साइंस है। जो भी लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष पे रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को हमारा सहयोग है। और जो भी सीखना चाहते हैं हमारे इस ग्रुप में सभी दिग्गज हैं, जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं और उसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। वो सभी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, हमारी संस्था के साथ ज्योतिष अखिल भारतीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो हमारी संस्था इसके लिए अच्छे से कार्य करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।